नमस्कार। मेरे पीछे एक पुराना पेड़ है जो 250 से 300 साल पुराना होगा। पीपल का भी है और बरगद के भी पेड़ है। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि इस जगह पे पहले नाग पूजा हुआ करता था और आज भी शिवरात्रि के दिन यहाँ उत्सव किया जाता है। ये जो तना है, तना के पीछे एक छोटा सा गुफा है तने के अंदर, जहाँ पे मंदिर, छोटा सा मंदिर जैसा है, और महाशिवरात्रि के दिन हर साल यहाँ पे पूजा करते हैं। और ये जो पेड़ है ये हमारे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर ही है, और ऐसा आपको 4-5 पेड़ मिल जाएगा। बहुत ही शांत वातावरण है, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आना। मैं ये वीडियो सोचा यहीं पे बनाऊँ क्योंकि वातावरण बहुत शांत है, और इससे अच्छा क्या हो सकता है इतिहास के बारे में। हमें हमारा इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। अभी प्रॉब्लम क्या होता है, शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत खुद से करें, खुद का इतिहास जानें। यानी मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे परदादा, मेरे पूर्वज कहाँ से थे, वो क्या करते थे, कितना तक का मैं जान सकता हूँ, कहाँ तक मैं जा सकता हूँ, मतलब मेरे परदादा के ऊपर उनके पिताजी कौन थे। तो वो ही एक रोमांचक विषय है जो मैंने भी किया। बहुत मुश्किल है। पहले तो मैं खाली 3 सर तक ही जाग पाया, बट कुछ और रिसर्च किया तो कुछ और तथ्य बाहर आए, और अभी बोल सकता हूँ कि हाँ भाई, मज़ा आया अपना खुद का इतिहास जान के। आप लोग को भी बताऊँगा मैं, मेरा इतिहास आपको ज़्यादा कुछ मायने रखेगा नहीं, लेकिन मैं अपना रोमांच आपके साथ शेयर करूँगा। तो मेरे पिताजी की तरफ पहले बात करते हैं। मैं कोशिश किया कि कुछ फैमिली ट्री मिल जाए, बहुत लोगों से बात किया, लेकिन ज़्यादा कुछ सहायता नहीं मिली। शायद किसी के पास है नहीं, शायद बुज़ुर्गों के पास होगा, लेकिन अभी किसी के पास कोई कॉपी है नहीं। तो अलग अलग कथाएं सुनने को मिला। अभी कौन सा सच कौन सा झूठ ये बताना ज़रा मुश्किल है। तो मैंने क्या किया, अपना सरनेम पकड़ा। मेरा सरनेम है कडाम्बी, KADAMBI, कडाम्बी। तो सोचा शायद इससे कुछ सहायता मिल जाए। यूजुअली सरनेम जगह का नाम होता है, या फिर कम्युनिटी का नाम होता है, या फिर किस तरह का काम करते हैं उसके हिसाब से हो सकता है। तो उससे शायद कुछ मदद मिल जाए, ये सोच के मैंने कडाम्बी शब्द उठाया। तो उसकी एक बहुत रोचक कथा मिली मेरे को। सो कडाम्बी एक सरनेम है उन लोगों का जो जिनके पूर्वज कांचीपुरम में रहा करते थे। सो कांचीपुरम का जो मंदिर है, विष्णु का मंदिर, उसके मंदिर के लिए पानी सप्लाई करना, यानी मटकों में पानी सप्लाई करना, एक कम्युनिटी था। वो कम्युनिटी को वहाँ पे गटम्बी बोलते थे। गटम मतलब मटका, अम्बी मतलब पानी। सो पानी देने वाले जो अभिषेक के लिए यूज़ करते हैं, ब्राह्मण का कम्युनिटी था। तो मटके में पानी भर के हम लोग का जो कम्युनिटी था वो सप्लाई करता था कांचीपुरम का विष्णु मंदिर के लिए। तो इसीलिए गटम्बी आ गया, तो कम्युनिटी का नाम गटम्बी हो गया। वक्त के साथ वो बदल के कडाम्बी, किडाम्बी, 3 तरह के स्प्लिट हो गए। ये जो गटम्बी थे, ये जो लोग थे, उनमें से एक बहुत फेमस है जिनका नाम कडाम्बी अच्चन बोलते हैं। कडाम्बी अच्चन ये थे श्री रामानुजाचार्य, जो वैष्णविज्म भक्ति मूवमेंट के टाइम पे जिन्होंने वैष्णविज्म को बहुत बढ़ावा दिया। सो कडाम्बी अच्चन उनके शिष्य और उनके कुक हुआ करते थे, क्योंकि उस समय इनको बहुत थ्रेट था रामानुजाचार्य को, मतलब पॉइजन दे करके मारना। अब मैं 1000 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, जब कडाम्बी, जिस टाइम पे कडाम्बी अच्चन रामानुजाचार्य के शिष्य हुआ करते थे। सो वो उनके फेवरेट शिष्य थे और उनके लिए खाना भी पकाते थे।
उनके खाने से पहले कड़ाम्बी अच्छन खुद खाना खाते थे, क्योंकि अगर कुछ हो तो पहले इनको। तो कड़ाम्बी अच्छन बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं हमारे कड़ाम्बी के लिनिएज में, शायद उससे पहले भी हुआ करते होंगे, बट ये एक फेमस पर्सनैलिटी है। सो कड़ाम्बी अच्छन, अगर इनका इतिहास देखा जाए तो इनका एग्जिस्टेंस कम से कम यहाँ से 900 साल पहले का होगा। सो यहाँ मेरे पिताजी के तरफ सीधा 900 साल चला। सो 900 साल से हम लोग का वही वंशज से आ रहे हैं, उनके बेटे, उनके पोते, उनके रिश्तेदार। अभी डायरेक्टली किसके हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन उन्हीं का क्लैन है, उन्हीं के लीनियज बोल सकते हैं। और एक मज़ेदार बात यह है कि कड़ाम्बी अच्छन के तीन जनरेशन बाद कड़ाम्बी अप्पुलर करके हुआ करते थे, वो बहुत महापंडित थे और फिलोसोफर भी। तो और उन्होंने बहुत लोगों को शिक्षा दी थी। उनके भांजे वेदांत देशिकन, यानी मेटरनल साइड, उनके मेटरनल साइड वेदांत देशिकन को उन्होंने 5 साल की उम्र में अपना शिष्य माना और उनको शिक्षा दी। यही देशिकन, ये कड़ाम्बी नहीं है देशिकन, वो उनके मेटरनल साइड के थे। ये वेदांत देशिकन आगे चल के बहुत बड़े फिलोसोफर बने। वो उन्होंने काफ़ी सारी संस्कृत में कविताएं लिखी, प्राकृत में कविताएं लिखी, और संस्कृत और तमिल का मिश्रण में एक भाषा बना के उसमें बहुत सारे ग्रंथ लिखे। सो ही वॉज़ अ फिलोसोफर, ही वॉज अ मैथमेटिशियन, एंड ही वॉज ऑल्सो लॉजिशियन, और प्लस रिलीजियस टेक्स्ट भी लिखते थे। तो ये वेदांत देशिकन काफ़ी फेमस पर्सनालिटी रहे, जिनका कड़ाम्बी फैमिली से एक रिलेशन भी रहा। और यही वेदांत देशिकन के नाम से इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट ने शायद 2 साल पहले एक स्टैम्प भी रिलीज़ किया वेदांत देशिकन। और इंटरेस्टिंगली मेरे दादा के पिताजी, यानी कि मेरे परदादा, उनका नाम वेदांत देशिकाचार है। पुराने ज़माने में उन्हीं का नाम दिया करते थे, तो शायद मेरे परदादा का नाम वेदांत देशिकाचार है। और ऐसे बोलते हैं कि मैं उनकी तरह भी दिखता हूँ, अभी ये सब मैंने तो कभी देखा नहीं उनको, शायद सच हो। तो जैसे मैं सब संग्रह कर रहा था, ये इकट्ठा कर रहा था, इतने रोमांच पूर्वक था वो जो पीरियड था, जब भी मैं सोचता था बाप रे इतना लंबा इतिहास मेरा खुद का। ये हो गया पिताजी की तरफ। अब जाते हैं माता जी की तरफ, क्या उनका कुछ इतिहास है, मेरी जिज्ञासा बड़ी। तो मैं सोचा चलो देखते हैं क्या माँ के साइड में कुछ है क्या इतिहास। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अभी जो मैं दिखाने जा रहा हूँ ये है एक फैमिली ट्री। मैं बहुत लकी था, ऐसे बातों बातों में मेरे मामा के पास ऐसा कुछ मिला, इसका ओरिजिनल कॉपी मेरे मौसी के पास था और मौसी की बेटियों ने मुझे इसको उपहार दे दिया। मेरे पास एक डिजिटल कॉपी भी है। ये है हमारे वंश वृक्ष, जिसको फैमिली ट्री बोलते हैं, है ना। तो ये अगर आप देख रहे हैं, इसका शुरुआत यहाँ नीचे से हो रहा है 824 यानी कि 824 AD से लेकर के आज तक, यानी यहाँ मेरी माँ का नाम है प्रभा, यहाँ 824 AD से प्रभा तक। देखिए पूरा फैमिली ट्री है यहाँ, सबका नाम और उनके कुछ इम्पोर्टेंट फेमस पर्सनालिटीज, उनका भी नाम, और भी कुछ हैं यहाँ पे जो मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ, बट इतना पता चलता है कि हमारे माँ के तरफ में जो लोग थे ज़्यादातर आचार्य थे। आचार्य यानी कि शिक्षा प्रदान करना, प्लस पुरोहित का काम भी करते थे। और उनमें से कुछ फेमस राजगुरु थे जो विजयनगर साम्राज्य के राजगुरु हुआ करते थे, और कुछ कनेक्ट है विजयनगर साम्राज्य से कि शायद या तो हमारे माँ के तरफ के पूर्वज राजगुरु हुआ करते थे, या फिर उनके जो एक कुछ कनेक्ट है लास्ट राजा जो थे, द सूडो किंग अलियाराम राया,
जो कृष्णदेव राय के दामाद थे, कुछ कनेक्शन है शायद उनका, शायद हमारे पूर्वजों का गांव से या फिर कुछ। सो माँ की तरफ का इतिहास 1200 साल पुराना, ये देखिए मेरे हाथ में, और पिताजी का तरफ का इतिहास अराउंड 1000 ईयर्स।